हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे कढ़ी और पकौड़ा, और कढ़ी और पकौड़े की मैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि मैं बनाऊंगी इस लेंटिल के दाल से, जिसे हम मसूर की दाल कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे लाल दाल भी कहते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे 1 घंटे के लिए भिगो दूँ। आइए फ्रेंड्स, अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 ऑनियन लिया है, जिसे मैंने पानी में ड्रॉप किया है, और इसके लिए मैंने 2 हिस्से बनाए हैं। एक हिस्सा मैं कढ़ी में डालूंगी और एक हिस्सा मैं पकौड़े में डालूंगी। इसके अलावा मैंने ये फोरन के लिए कुछ सरसों के दाने, थोड़ा सा जीरा, और ये 2 सूखी लाल मिर्च, और ये मेथी के दाने लिए हैं, और इसके अलावा ये कढ़ी भी लिया है। और मैंने ये थोड़ा सा 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, और ये मैंने 1 बाउल दही लिया है, और अलावा मैंने कुछ सूखी मसाले यूज़ कर लिए। आइए अब हम कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सबसे पहले मैं इसके लिए योगर्ट डाल दूँगी। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, ना फेंकने का झंझट, ना कुछ भी, सब कुछ अपना। और जैसे हम बेसन नहीं डालेंगे, हमारा कढ़ी भी किसी से बनेगा, तो मैं ये भी इसी में डाल दूँगी। अब मैं ये जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर दूँगी इसमें, और अब मैं ये सारे सूखे मसाले इसमें डालूंगी हल्दी। गरम हो चुका है, और अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। मैं इसमें 3 स्पून के करीब में मैंने ऑयल डाला है, और अब मैं इसमें ये सारे जो फोरन है वो मैं ऐड कर दूंगी, मेथी, जीरा और सरसों का फोरन, और ये रेड चिली ऐड कर दूंगी। अच्छा कलर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब फिर हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ये दाल को पीस लिया है एक समय, और उसके साथ मैंने ये ऑनियन, और ये मैंने थोड़े से पालक के पत्ते लिए हैं। आप कोई भी हरी साग इसमें डाल सकते हो, इसे ऐड कर सकते हो, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा। तो फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं। मैं ऐड करूँगी ये थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा हींग, और थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा नमक। पालक में नमक होता है, तो ये नमक थोड़ा ज़्यादा मैं डालूँगा, और पकौड़े जब आपको बनाने हो ना, तभी आप इसमें नमक डालूँगा।
मुझे प्यार हो गए हैं और मैं भी निकाल लेती हूँ। हमारे ये पकौड़े कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं और अब मैं इसी तरह से सारे पकौड़े निकाल लूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कढ़ी करते करते बिल्कुल आधी हो चुकी है और अब मैं इस स्टेज में इससे नमक डालूँगी, क्योंकि अगर मैं इससे पहले नमक डाल देती तो ये फट जाती और ये कढ़ी इस तरह से नहीं बन पाती। दही में किसी चीज़ में नमक, वैसे नमक अच्छे से डालेंगे ताकि नमक